तो उधर में आके ही करेगा जॉइंट डायरेक्टर साहब, सुपरिंटेंडेंट मैडम, वन टू क्लीन वाटर। हाँ हाँ पूरा सिस्टम से पानी में सीखता है ना, ये सब पीने का जो पूरा आलू सिस्टम है, इधर कैंटीन से कॉमर्शियल कॉमर्शियल वो है कि मतलब आदमी फिल्टर से रहेगा, नॉर्मल बैक्टीरिया कोई फिल्टर से रहेगा, सब कॉमर्शियल टाइप एंड इट्स 100 लीटर पर आवर। कैपेसिटी इज गुड पर आवर, पर आवर ठीक है, पर आवर तो गुड कैपेसिटी वन पर वेल और तो यहां का आपका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा रिक्वायरमेंट 100 लीटर पर आवर इट्स अ कमर्शियल वन। ये देखा गया जैसे कि पासीगंज का जो हम लोग का 171 BN CRP जू है, ये आप लोग कंपनी है, वो हर समय पासीगंज में वो लोग इमरजेंसी समय पे समय समय पर प्लान सेशन भी ब्लड भी ऐसा देता है, उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो आप यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन लोग का रोल को, उन लोग का सर्विस को क्या बोलते हैं आप? मीडिया पर्सन ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, बोलने का हमारा कोई बचा नहीं। तो एक हफ्ता पहले पासीघाट का सबसे पुराना स्कूल जो अक्टूबर में ऑनरेबल CM ऑनरेबल डिप्टी CM भी आया था, प्लेटिनम सेलिब्रेशन किया बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल, तो उसी में 171 कंपनी तो अंडर द लीडरशिप ऑफ कमांडेंट सर भी वहाँ में सोलर लाइट दिया, तभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ फिर यहाँ में एक वाटर प्लान भी लगाया। ये बहुत अच्छा चीज़ है, सिर्फ ये हॉस्पिटल को बोलेगा तो हम सिर्फ पासीघाट नहीं बोलेगा, यहाँ पर हमारा नेबरिंग स्टेट असम जोनाई से भी पेशेंट आता है, आलोंग है, यिंक्योंग है, दिबांग वैली, सब जगह से यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत लॉन्ग रन में अच्छा काम होगा। लेकिन पब्लिक को भी मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इसको अच्छा से हैंडल करें ताकि ये जितना से लॉन्गविटी जाना चाहिए, ये हमारा एक मैसेज है। और हमारा तरफ से ये है कि अभी हमारा जो 171 जो CRPF जो काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक रिलेशन को भी मेंटेन करके काम कर रहा है, इसको बरकरार रखिए, मेरा तरफ से यही अनुरोध। ओके ओके सर, आपका मेडिकल तरफ आपका तरफ से सिविक एक्शन जो प्रोग्राम है आपका क्या क्या चल रहा है अभी यहाँ में? जैसे आप जो बैक साइड में जो अभी पेवर ब्लॉक लगाया है ये भी कुछ दिन पहले लगाया है, तो बाकी रिनोवेशन है जो अभी स्पायरल बाइंडिंग जो चूरी हो गया था उसके लिए भी काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन बार बार वही है कि अभी सिविक्सन आना जरूरी है, ये आपका ही प्रॉपर्टी है, इसे नहीं इसको तुरंत डैमेज नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ में काफ़ी चीज़ चूरी भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर को भी हुआ, स्पायरल बाइंडिंग का भी हुआ, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। रिस्पेक्टेड श्री कलिंग मोइन, ऑनरेबल MLA पासीघाट, श्री ताई टेगू APCS डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, श्री समीर कुमार श्रीवास्तव कमांडेंट 171 बटालियन, श्री सुमित कुमार झा IPS SP ईस्ट चीफ काउंसलर मैम, डिप्टी चीफ काउंसलर ZPM श्री ओगम मोगन, श्री सौरभ पालित डिप्टी कमांडेंट 171 बटालियन, डॉक्टर बोलू ताकी चीफ मेडिकल ऑफिसर BPGH, उपस्थित चिकित्सकगण, हॉस्पिटल स्टाफ और मेरे साथियों,
अब मैं जैसा कि आप सभी को विदित है कि 171 बटालियन सीआरपीएफ अरुणाचल प्रदेश और असम के विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सीआईओ ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में हमारी यह ब्रेवो 171 बटालियन पिछले वर्ष 26 जुलाई 2022 को मियाओ चांगलांग से जीटीसी पासीघाट में तैनात हुई है। 171 बटालियन किया कंपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के अलावा सीआईओ ड्यूटी के अतिरिक्त वर्ष में अपनी तैनाती के स्थानों तथा स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक मदद, प्रशासनिक कार्यों, शिक्षण और खेलकूद संबंधी जन कल्याण कार्यों का आयोजन करती रही। इसी क्रम में यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर सिविक एक्शन प्रोग्राम करके इस वर्ष 17 मार्च 2023 को फ्री मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया था बीपीजीएच इसी हॉस्पिटल में पासीघाट के लिए, और इसी माह 10 नवंबर को न्यूली इंस्टॉलेशन सोलर लाइट हायर सेकेंडरी स्कूल बालिग में दिया गया था, जैसे कि अभी एमएलए साहब ने और मीडिया बंधुओं ने बताया। और उसी क्रम में आज फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ वाटर प्लांट बीपीजीएच हॉस्पिटल को प्रदान करने का आयोजन ये आज यहाँ रखा गया है। मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के स्थानीय निवासी, सिविल नागरिक एवं दूर दराज से आने वाले मरीजों एवं अस्पताल स्टाफ के लिए पीने का शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। कि आपने आज देखा कि हमने एक वाटर प्लांट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। ये प्रोग्राम सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। कई लोगों को पता भी है लेकिन मेरे काफ़ी नए चेहरे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको सिविक एक्शन प्रोग्राम बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज द लीड पैरामिलिट्री फोर्स फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर इन इंडिया, और हमारा जो प्राइमरी टास्क है वो टास्क जो है उसमें हमें अपने देश के दुश्मनों से लुभा लेना होता है, उनसे लड़ना होता है, और कोशिश ये रहती है कि हम आप सभी को एक सुरक्षा संरक्षा प्रदान कर सकें। जिस इस कार्य में सीआरपीएफ अभी तक बहुत सफल रही है, और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि एक समय पे नॉर्थ ईस्ट कितना ज़्यादा इंसर्जेंसी अफेक्टेड था, तो हमारा ये जो प्रयास रहा है सीआरपीएफ आर्मी सबका मिल के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिल के, हमने अभी इस समय एक ऐसा शांति का वातावरण क्रिएट किया है कि हम सब लोग अभी चैन की सांस लेते हैं। जब भी सीआरपीएफ, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा प्राइमरी टास्क जो है वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, तो उस काम में हमारा पब्लिक के साथ बहुत इंटरेक्शन नहीं होता है। हमारा इंटरेक्शन ज़्यादातर इंसर्जेंट्स के साथ या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही होता है। तो जब हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होता है या इनके साथ भिड़ंत होती है तो हमारा काम टफ होता है, हम उनसे कड़ाई से निपटते हैं। तो इसलिए आम लोगों के नज़र में सीआरपीएफ जो है वो एक गन ट्रॉटिंग, डंडा चलाने वाली फौज रहती है, क्योंकि वो आम पब्लिक के लिए नहीं होती बल्कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए होती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है वो ये बताने का प्रयास होता है कि नहीं, हम हमारा वो तो प्राइमरी टास्क है बट सीआरपीएफ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सीआरपीएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के लिए काम करती है। जिस जगह पे वो तैनात रहती है उस जगह समाज के लिए क्या अच्छा कर सकती है, क्या उनके कोई भी दुख दर्द है तो उसको अपने लेवल से कितना सुधार सकती है वो कार्य करती है। तो इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी आपके ही सोसाइटी के पार्ट का हिस्सा हैं
हमारे आपके बीच में डिफरेंस सिर्फ एक यूनिफॉर्म का है। हमने यूनिफॉर्म लगाया है, आपने यूनिफॉर्म नहीं लगाया। आपका अपना यूनिफॉर्म है, हमारा अपना यूनिफॉर्म है। आप भी समाज की सेवा कर रहे हो, आपका समाज की सेवा का तरीका दूसरा है, हमारे समाज की सेवा करने का तरीका दूसरा है। बट वी आर डूइंग वर्क फॉर अ कॉमन कॉज। तो ये और अच्छा लगा कि हमारा 171 BL जो कमांडेंट साहब का टीम एक अच्छा ये आरओ वाटर प्लांट इंस्टॉल किया बाकिनपल्टी जनरल हॉस्पिटल में। एंड ये जनरल हॉस्पिटल भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट है होल ऑफ द स्टेट, मानी डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूरा स्टेट का। ये इट वॉज बिल्ट वे बिगिन 1911 जो ब्रिटिशर्स ये आया था। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ हेल्थ सेंटर, मेडिकल वर्कर नहीं हेल्थ सेंटर एक वर्ल्ड का एक तरफ से था। तो उसको करते 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 1958 को ही हो गया, देन दे हैव शिफ्ट इट हियर। तो जैसे हमारा डीसी ऑफिस भी 1950 का पहले, नाउ इट्स इन द मिडल ऑफ द सियांग रिवर, लेकिन आफ्टर 50 का बार यह शिफ्ट किया। तो पासीघाट एक पुराना शहर है। तो अच्छा लगा कि आप लोग स्पेशली डिफेंस फोर्स, आप सही कहा कि यूजली CRPF हो आर्मी हो, हम लोग हमेशा हमारा माइंड सेट वो है कि ओनली फॉर सिक्योरिटी रीजन, लेकिन आप लोग कम्युनिटी को भी पे बैक कर रहा है, कम्युनिटी डेवलप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारा भी एक नियम एक मतलब एक ले डाउन रूल हम लोग बनाना है कि जो भी प्रॉपर्टी हमारा है उसको अच्छा ढंग से रखे। तो उसके बाद मीडिया वाला तो हमको एक शॉर्ट टर्म में पूछा मेडिकल के लिए क्या काम कर रहा है। तो वहाँ तो एक शॉर्ट ब्रीफिंग था, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर भी 2024 के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अंदर लीडरशिप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लाइक टू से बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ प्लानिंग फाइनेंस, उसका थ्रू और हमारा हेल्थ मिनिस्टर का थ्रू इस बार कुछ सेंक्शन दिया इज अराउंड 90 लाख फॉर सिविल वॉर, फायर एक्सीडेंट, PhD एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। So now he's the responsible of the joint director and medical superintendent staff. Quality ko aap log compromise mat kariye. Sarkar paisa de diya, lekin dekhbhal aap log ka ek responsibility banta hai. To usko bhi aap log nibhana zaruri hai. Sabhi garmanya atithi aur hospital staff ka main is program mein aap sab aaye aur is kaarkram ko safal बनाया। सभी का मैं कमांडेंट 171 बटालियन के तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर आज फिर से आप लोग ने आज पासीघाट के जेनरल हॉस्पिटल पर पानी का टैंक लगाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सिविक एक्शन 2023-24 के तहत हमने आज BKPH हॉस्पिटल में, यहाँ के जो PPGH हॉस्पिटल में हमने RO प्लांट लगाया है। और हमने कॉमर्शियल RO प्लांट लगाया क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। जैसा कि बताया गया कि ये हॉस्पिटल सिर्फ पासीघाट डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर फॉर करता है, तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तो DC ईस्ट सियांग ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना RO प्लांट यहाँ लगाएं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि लोग बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने आज इसका यहाँ पर हमने एस्टैब्लिशमेंट किया है, जिसका उद्घाटन आज यहाँ के ऑनरेबल MLA साहब ने किया। और मुझे पूर्ण आशा है कि जो काम 171 बटालियन यहाँ पे कर रही है वो आगे भी करती रहेगी। और इस जो आज हमने RO प्लांट लगाया है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, और हम ये चाहते हैं कि इसका भरपूर रखरखाव यहाँ के लोकल पब्लिक करें। सब आपके माध्यम से मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है RO प्लांट उसको ठीक से इस्तेमाल करें और इसका पूर्ण सदुपयोग करें। और जो CRPF 171 बटालियन है वो इस हमेशा इस जगह के लिए जो भी अच्छा काम है सबके भलाई के लिए हमेशा काम करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर आगे का प्लान क्या है? जैसे आप पहले भी वो बालक स्कूल पर लगाया गया है और लाइट लगाया गया, आज जिनने हॉस्पिटल पर पानी का लगाया, और आगे क्या प्लानिंग है आप लोग का? आगे अभी हमारा चूँकि जो डिप्लॉयमेंट है वो अरुणाचल में रोइंग में भी है, तो रोइंग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने सोलर लाइट लगवाया है।
तो अभी 23 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट रोइंग में भी 4 सोलर लाइट का को डेडिकेट करेंगे वहाँ के सिविल पॉपुलेशन को। और एक हमने ऑल वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप रखा है जो कि रोइंग में हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हमारी सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, उसका भी हम उसको भी हम कंडक्ट कराएंगे दिसंबर माह में। तो ये जो सिविक एक्शन का प्रोग्राम है वो हमेशा हम करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इस यहाँ पे इसी हॉस्पिटल को हमने मेडिकल इक्विपमेंट दिया था, और आने वाले समय में हम और भी आगे करते रहेंगे।